भगवान ने सुना सुदामा आया है, तुम तेरा घर आ गया। भगवान अपने सिंहासन से उठे और सज्जनों ऐसे उठे कि अपनी चरण पादुके पहनना भूल गए और भागे भागे अपने कई सारे द्वारों को खोलते हुए सुदामा के पास जाने लगे। रस्ते में जो उद्धव जी और मानवदेव जो बड़े बड़े सब लोग थे, जो राज्य के बड़े बड़े सदस्य थे, उन लोगों ने उस सेवक से पूछा कि भाई ब्रह्मा जी भी दर्शन करने आते तो 2 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है, अब ये ऐसा कौन सा ब्राह्मण आ गया कि उसके लिए भगवान दौड़े चले जा रहे हैं। बोले महाराज, हमने तो बस इतना ही बताया था कि सुदामा आया है और उसके थोड़े बारे में बता दिया, बस पता नहीं फिर भगवान दौड़े गए, दौड़े चले जा रहे हैं अभी तक। और इधर भगवान 7 द्वारों को पार करते हुए जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे तो अपने बचपन के सखा सुदामा को भगवान ने उठाकर अपनी गले से लगा लिया। बोले और के बाद चले भगवान की, और भगवान ने रो उठे। लेकिन सुदामा जी सोचने लगे कि मैं मुझे नहीं रोना है क्योंकि तो अगर मैं रोया तो सबको ऐसा लगेगा कि मैं गरीब हूँ और कुछ मांगने आया हूँ। सुदामा जी नहीं रोए। बाद में कन्हैया उनको लेकर के अपने महल में आई और सब रानी आज्ञा पाके पंखा चलाने लगी, सारी व्यवस्था हो गई। और इस सबके बाद में तब अंत में श्रोताओं, प्यारी प्यारी बताओ, जब उनकी सेवा के लिए सब चीजें तैयार हो गई तो भगवान ने फिर सोने की थाल में जल मंगवाया। जल आता तब तक भगवान ने जैसे चरण देखी तो भगवान के आंखों से आंसुओं की धारा बह गई और सुदामा जी के चरणों में कांटे लगे थे, पीढ़ियां फट रही थी, खून निकल रहा था। देख करके बहुत बड़ा भगवान को लगा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पान परात को हाथ छोए, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आंखों से ही जो आंसू निकल रहे थे उन्हीं से भगवान ने चरण धो लिए। और बाद में जय सुदामा जी आप कैसे हो, सुदामा जी बोले कन्हैया मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं है, मैं इतना प्रसन्न हूँ। भगवान बोले वो तो दिख ही रहा है। किमले कृतम पुण्यम बदते नहिना, श्याहि लेन लोक स्मेन गरिहि ते नागमेन। यहाँ पर भगवान ने कहा कि चलो अपन भोजन तैयार है, सुदामा जी भोजन कीजिए। सुदामा जी बोले नहीं नाना, मैं तो बस 2 टिकट सुबह 2 टिकट शाम को पा लेता हूँ, बस ये 56 भोजन को करते करते पता ही उसे बुद्धि खराब हो जाती है। कन्हैया बोले अगर कोई इन्हें भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करे तो कभी नहीं होती, ये चलो आप भी मेरे साथ भोजन करो। सुदामा जी बोले बिल्कुल कन्हैया, मैं तुम्हारे साथ ही करूँगा, चलो। और आज बरसों बाद बरसों पुराने में तो साथ में भोजन कर रहे हैं और बहुत सारी बातें दोनों के बीच में हुई। बीच में उनकी रानियां भी आई प्रणाम करने, कहा महाराज मैं रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बोले सौभाग्यवती रहो। फिर बोली जामवंती आपको महाराज प्रणाम करती हूँ, फिर अखंड सौभाग्यवती रहो, इस तरह के आशीर्वाद दे रहे। अब कम से कम 500 तो आ गए। अब जब सुदामा जी का हाथ दुखने लगा, हर एक के लिए हाथ जो उठा रहे तो कन्हैया को एक कॉलर में बुला के बोले कन्हैया हो गई और भी है। ये बोली कैसी बात कर रहे हो, अभी तो शुरू ही हुई है। भैया एक बात बताना कि ये सारी मतलब यहीं की है या कोई अड़ोस पड़ोस की भी है। बोले नहीं तुम्हें विश्वास नहीं होता, सब यहीं की है। विश्वास नहीं होता तो मैं कुछ करके बताऊं, विश्वास दिलाऊं। बोले नहीं 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 करेगा, बस मैं इतना कह रहा था कि इनको आशीर्वाद सब को देते देते मेरे हाथ धो कर लग गए हो। लाला मी जी कह रहे हो कि अब तुम मुझसे आशीर्वाद ले ली, फिर सबन को आशीर्वाद मिल जावे। वो भगवान बोले ऐसे ही था तो पहले क्यों नहीं बताया। भगवान आशीर्वाद लेने लगे, सुदामा जी आशीर्वाद लेने लगे। इसके बाद बचपन की मित्रता की कई सारी कहानियां याद की उन्होंने, एक वो सब बातें भी याद आई। और अब भगवान ने चाह कि शादी की ही नहीं, बोले माता पिता नहीं मान रहे तो करना ही पड़ा। बोले फिर मेरी भाभी ने मुँह पे तो चुप भेजो, हुए को जल्दी बताओ क्या भेजा है।
तो दामा जी सोचने लगे अरे पोटली सबके सामने खोल, मतलब मैं बताऊंगा खोल के तो सब लोग क्या समझेंगे, अकेले में तो कैसे करिए आपको बता दूंगा। लेकिन भगवान तो आप जानते हो, उन्होंने पोटली छुड़का ली और छुड़का करके पोटली को, और उन्होंने क्या किया पोटली खोल करके देखा, चलेगा कि पोटली जब खोली तो उसमें 5 तरह के चावल है, कुछ छोटे चावल, कुछ छोटे चावल, कुछ धान के चावल, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ पीले। देखते भगवान क्या पास आवे, सोचा मेरा ये तो मांगे इकट्ठा किए गए हैं, मेरा मित्र कितना गरीब है और मैं भी कैसा मित्र हूँ जो अपने मित्र की दरिद्रता दूर नहीं कर पाया। और भगवान से रहा ना गया, भगवान तुरंत उठी और उन्होंने एक मुट्ठी चावल उठाया और अपने हाथ में लेकर के अपने मुंह में सीधा डाल लिया, तो एक लोग भगवान ने प्रदान कर दिया। अब दूसरा मुट्ठी चावल लिया और वो भी उठा करके मुंह में लिया तो अपना दूसरा लोग प्रदान कर दिया। और तीसरी मुट्ठी चावल निकालने वाले थे, इतने में ही रुक्मणी जी ने पकड़ लिया और संसार के सामने कुछ और बोली और इशारे से कुछ और बोली, बोली स्वामी कच्चे चावल खाओगे तो नुकसान करेंगे, और इशारे से बोली सब कुछ दे दोगे तो अपने काम पे रहेंगे, थोड़ी बहुत कुछ सोचो तो सही। इसके बाद और भी बहुत सारी लीलाएं की। बाद में जब सुदामा जी वापिस जाने लगे तो याद करते हैं कि मेरा मित्र कितना अच्छा है, मुझे अभी तक नहीं भूला। और जब अपने घर पहुंचे तो घर पहुंचते ही क्या देखा कि बड़ा महल खड़ा है। तो सुदामा मंदिर देख गई, यहाँ तो हती मेरी राम झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े खड़े, सुदामा मंदिर देख गई। सुदामा जी डर गए और पूछा ये कौन सा स्थान है, अरे सुदामापुरी, और सुदामा तो मेरे ही नाम है। अच्छा कोई सेठ जी होंगे, अरे यहाँ के मालिक को बुलाओ सेठ जी को, अरे सेठ जी नहीं पंडित जी हैं। तो सोचा पंडित जी तो मैं ही हूँ, फिर हो सकता है कि कोई और पंडित जी हो, पंडित जी को बुलाओ। तो वो द्वारिका गए, अच्छा एक काम करो पंडित भाई जी को बुलाओ। सोचा सुशीला होगी तो वही भक्ति साड़ी में ही आएगी, लेकिन आज जब सुशीला आई है भैया तो साड़ी तो बहुत दूर की बात, 4-5 दास का तो आगे पीछे घूम रही है। देख करके सुदामा जी सब समझ गए और जाने लगे, सुशीला पहचाने गई, बोले स्वामी आप भी हमारे साथ चलकर महल में रहिए। बोले सुशीला मैं समझ गया तुम्हारी सुख भोगने की लालसा थी, तो मेरे कलिया देखो कितना अच्छा है, उसने तुम्हें वो दे दिया और मेरी दर्शनों की इच्छा थी मुझे दर्शन दे दिए। लेकिन देखो मैं तो महल में नहीं रह सकता, मैं तो वही अपनी झोपड़ी में ही रहूँगा। तो फिर ठीक है स्वामी हम भी आपके साथ चलते, बच्चों को लेके वापस जाने लगे। इतने में ही अंदर से आवाज आई, अरे सुदामा जी। और जैसे ही ये नाम सुना तो सुदामा जी दौड़े दौड़े अंदर गए और क्या देखा, अंदर तो मुरली बाला बैठा है। भगवान को देखकर सुदामा जी व्यग्र हो गए, बोले तुम मुझे ये नहीं चाहिए। भगवान बोले तुम इसके योग्य हो, इसलिए मैंने तुम्हें दिया है ताकि तुम गरीब असहाय समर्थ की सेवा भी इसके माध्यम से कर सको, इसलिए धन संपत्ति तुम्हारी है। सुदामा जी बोले प्रभु बस मेरी तो एक ही कामना है, एक ही इच्छा है, क्या आपके चरणों में मेरा मन लगा रही। क्या श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण बिहारी गोपाल मन रखियो अपने चरण बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने I'm gonna make you mine.
जैसा साथ दिया वैसे ही हुआ। उन्होंने पैसे प्रमोशन को फिसवा के समझ में फिरवा दिया, लेकिन आप तो जानते ही हो विनाशकारी विपरीत बुद्धि ऐसी वैसी बुद्धि हो गई। और दूसरी तरफ जब भगवान श्री कृष्ण से राम को जाने लगे ये बात पता चली उद्धव जी को, तो उद्धव जी आए और आकर बोले प्रभु मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा, आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो उद्धव जी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उनको बताई हैं, काफी सारी बातें उन्होंने उन्हें बताया कि देखो मेरे इस पृथ्वी पर अवतार लेने का क्या कारण है। व्यक्ति अगर अगर चाहे तो अपने मानव शरीर से मुझको भी पा सकता है, इतना दुर्लभ ये शरीर है। दुर्लभे मानसो देहो दर्शनम, लेकिन मनुष्य फिर भी सब उल्टा पुलटा कराया, आज आप देख ही रहे हो तुम सब उल्टा पुलटा कर मन में कुछ सोचते हैं, पानी से कुछ बोलते हैं और कर्मों से कुछ और ही। हमारा जीवन आजकल की भौतिक चमक दमक में खोता चला जा रहा है और ऐसे गलत मार्गों पर हम चले जा रहे हैं जहाँ ना कोई नैतिकता है ना मर्यादा है ना संस्कार है। तो अगर हमें शरीर के महत्व को समझना है तो पहले समय के महत्व को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि तो समय के पीछे जो चलते हैं उन्हें नादान कहते हैं, समय के साथ जो चलते हैं उन्हें इंसान कहते हैं, समय के आगे जो चलते हैं उन्हें महान कहते हैं, और जो समय को चलाते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। इसके बाद बताया कि मेरे पृथ्वी पर अवतार लेने के कुछ ही कारण है, क्या कौन से कारण है। इनकी रक्षा के लिए मैंने अवतार लिया। उन्होंने पूछा प्रभु सबसे ज्यादा किसके लिए आपने अवतार लिया, किसकी रक्षा की आपको आवश्यकता पड़ी। बोले कि सबसे ज्यादा मैंने गौ माता